हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आजकल मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं आ पा रही है, टाइम टू टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि तो 3 से 4 दिन तो मुझे घर की सेटिंग करने में ही लग गए और फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ पूरे अपने हाउस टूर की, जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वो मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जो मैंने अभी पहले बताया था अभी, तो इसके ही आगे यहाँ पर क्यारी टाइप में बनी हुई है और ये फ्रंट का सबसे गेट है। और ये सामने जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है बाथरूम, एक बाहर बाथरूम है, अंदर भी है, तो ये बाहर की तरफ है, ये बाथरूम है। और शाम को मैं वीडियो बना रही थी तो इस टाइम मेरी लड़की सो रखी है, इसलिए मैंने आराम से ये वाला टाइम चूज़ किया है वीडियो बनाने का। और ये टॉयलेट है ये साइड में, और ये विंडो है जो मेरी किचन है अंदर से, तो उसकी विंडो दिख रही थी ये। और ये है एंटर करने वाली, ये है डोर, एक ये जाली वाला डोर है लगा हुआ और एक डोर अंदर से अलग से है। तो हम दिन भर जैसे जाली वगैरह ही लगा के रखते हैं, मक्खी मच्छर नहीं आते हैं अंदर। तो इस तरह से ये पुराने टाइप का डोर है जो मकान मालिक है यहाँ की, तो उनका ये पहले से ही लगाया हुआ है। बोल रहे थे कि चेंज करेंगे, देखते हैं कब चेंज करेंगे, फ़िलहाल तो ऐसा ही है। और ये कर्टेन लगाए हुए हैं मैंने, जब मैं पहले जहाँ रूम उस पर रहते थे ना किराए पे, तो वहाँ भी मेरी यही वाले कर्टेन लगाए हुए थे, तो मैंने संभाल रखे थे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये। और डोर पे मैंने बिछाया है पायदान जो मेरा खुद हाथ से बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे वॉश बेसिन पड़ता है लेफ़्ट साइड की, और लेफ़्ट साइड में मेरा किचन है, राइट साइड में मेरे यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम दोनों ही अटैच है। एक तो बाहर जो मैंने बताया वो भी है, अंदर भी है, दोनों ही हैं। और ये गैलरी है, ये बीच की गैलरी है, ये फूल से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, अच्छा लगता है। और 2 चेयर मैंने इसलिए बाहर में रखी है क्योंकि अंदर में झूला है मेरी मिट्टी का, तो मैंने बाहर में ही रखी हुई है, फ़िलहाल ऐसे ही रखी है, वैसे अंदर भी लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखा है। सामने मेरी वॉशिंग मशीन रखी है और शूज़ रैक है रखा हुआ बगल में, उसके ऊपर सिलाई मशीन रखी हुई है। और इस साइड में यह है वॉश बेसिन, तो यहाँ पे जैसे हम बाहर अगर जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो यहीं पे हाथ धो लेते हैं, वरना बाहर भी धो लेते हैं क्योंकि बाहर में भी बाथरूम है। और इसके बगल में लगाया हुआ है मैंने टावल। और यहाँ पे एक सॉप यानी कि साबुन ज़रूर रखती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा लड़का है टॉयलेट बाहर जाता है तो अंदर में हाथ धोने के लिए आता है, इसलिए उसके लिए टावल भी टंगा हुआ है और साबुन भी रखा हुआ है। और यह है मेरी किचन, छोटी सी किचन है, स्मॉल सी, तो यहाँ पे मैंने जाली लगाई हुई है क्योंकि बर्तन वगैरह जैसे ही मैं धुल धुल के रखती हूँ ना तो इसके ऊपर डाल देती हूँ, कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो टब में मैं बाहर रख देती हूँ धूप में सुखाने के लिए। तो ये मेरी स्मॉल सी छोटी सी किचन है। और यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, विंडो में हवा बहुत अच्छी पास हो जाती है। और उसके सामने जो ये मकान मालकिन है उनके मंदिर बनाया हुआ है बाहर की साइड में, तो यहाँ से हवा वगैरह बहुत अच्छा होता है, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर गर्मी नहीं लगती ज़्यादा। और इस तरह से मैंने दाल वगैरह के डब्बे जितने भी होते हैं ये ऊपर की साइड रखे हुए हैं, फ़िल्टर लगाया हुआ है पानी का, फ्रिज है यहाँ पे साइड में रखा हुआ। और मैंने उतना ही सामान रखा है जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है, फालतू नहीं रखा है। और ये है मेरी 3 रैक वाली, ये वाली जो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमारा आधे से ज़्यादा सामान आ जाता है, मम्मी के पास पड़ा हुआ था तो मैं लेके आ गई, तो मैंने इसे साइड में रखा हुआ है क्योंकि मेरे चीनी चाय पत्ती जितने भी डब्बे होते हैं मैं उसमें ही रखती हूँ, क्योंकि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले हैं सुबह शाम पे। और मैंने मनी प्लान जो है वो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक मेट बिछाई हुई है क्योंकि ठंडा लगता है किसी टाइम पर, तो मैं मेट हमेशा बिछा के रखती हूँ। और ये मेरे खुद के हाथ के बने हुए पायदान हैं तो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए फिर अब जाते हैं हम टॉयलेट की तरफ, अटैच है ये, बाथरूम भी है टॉयलेट भी है दोनों ही हैं। और यहाँ पे ये इंग्लिश वाली टॉयलेट है लेकिन हम इसमें टॉयलेट नहीं करते हैं, हम रोज़ाना बाहर ही जाते हैं। यहाँ पे कभी कभार मेरा जो लड़का है वो टॉयलेट कर लेता है रात के समय में या कभी दिन के समय में, लेकिन हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग बाहर ही जाते हैं बाथरूम में। और यहाँ पे ओनली हम नहाना धोना ही करते हैं, कपड़े वगैरह सब के सब जैसे मैं बाहर ही धुल लेती हूँ। और यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है, पानी वगैरह जितना भी हमारा गर्म होता है वो गीज़र में ही होता है, तो यहाँ पे ये सुविधा थोड़ा बहुत ठीक है। और इस तरह से ये अटैच है, दोनों बाथरूम है टॉयलेट दोनों एक जैसी है,
यहाँ पे ये वाला रूम है जहाँ हम सोते हैं, तो मैंने आज दिन भर ये वाला काम किया है पर्दे वगैरह लगाने का, क्योंकि पर्दे मेरे पे पड़े हुए थे ओनली लंबे हो रहे थे, तो मैंने सिलाई मशीन खोल के आज जितने भी पर्दे होते हैं उनकी लंबाई कम की है और इनको लगा दिया है। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी तो पर्दे भी लगाने ज़रूरी है, तो मैंने वीडियो बनाने से पहले सारे पर्दे की लगा दिए थे। ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पर, ये वाला पर्दा मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि इसके पीछे ठीक जाली है, क्योंकि उसके पीछे रहते हैं किराए पर लोग और फिर वहाँ से नज़र पड़ती है, तो मैंने पर्दा लगाया हुआ है। और ये वाला रूम है जहाँ हम सोते हैं, यहाँ पे लाइट इसलिए ऑफ़ है क्योंकि मिष्टी मेरी सोई हुई है यहाँ पे, और हनी भी सो गया था, काफ़ी लेट सोए थे, और इस टाइम मेरी सास गई हुई है घूमने के लिए, तो मैंने इस टाइम वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने झूला रखा हुआ है अपनी मिष्टी का, मैंने कहा अभी उड़ जाएगी तो उसमें रख दूँगी, और ये कूलर भी रखा है क्योंकि गर्मी आने वाली है तो कूलर भी चाहिए ही। और शीशा मैंने नया नया ख़रीदा था, अभी मैंने इसे वॉश बेसिन की साइड में लगाना है तो अभी लगा नहीं है, मैंने यहीं पर रखा है। ये मेरी टीवी है, पुराने टाइप की टीवी है ये, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी चल चुका है ये, 9-10 साल हो गए इस टीवी को, तो ये मैंने यहाँ पे फिट किया है। और होम टूर बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं लग पाया क्योंकि सामान वगैरह अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा जब ठीक ठाक मैं लगा दूँगी उसके बाद ही मैं पूरा मतलब जो कमरा है डेकोरेट कर दूँगी, और ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया है अभी, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। ये दीवारें वगैरह सारी खाली पड़ी हुई है, अभी यहाँ पर कुछ मैंने लगाया नहीं है। और ये अलमीरा रखी है साइड में, यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सारे इसी अलमीरा पे रहते हैं, मेरे मेरे हस्बैंड के और हनी के कपड़े रहते हैं सबसे नीचे। और ये इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली एक हमारी फ़ोटो है और बाकी मिट्टी के गुड्डे फूल वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे मैंने ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि ये वाला जो कमरा है इसमें रैक वगैरह नहीं है, तो जितने भी मेरे फ्लावर हैं वो मैंने अलमीरा के ऊपर ही रख दिए हैं। और ये सूटकेस वगैरह जितने भी होते हैं मैंने साइड में रख दिए थे सूटकेस। और इसमें ऐसे वाले कपड़े हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए, गर्म कपड़े हैं, तो मैंने ये ढका के इस तरह से रखे हैं। मेज़ है, मेज़ के नीचे मिट्टी के पैजामे वगैरह सारे रखे हैं, और ये कंबल वगैरह जितने भी हम ओढ़ते हैं रात में, क्योंकि अभी ठंडा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक ही ठीक मौसम है। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो लगाई हुई है क्योंकि हनी का जब चूड़ाक्रम हुआ था यानी मुंडन हुआ था उस टाइम की फ़ोटो, तो मैंने यहाँ पर लगाई है। और ये है मेरी वॉच, ये मैंने एकदम जैसे ही हम एंटर करते हैं इसके ऊपर लगाई हुई है। तो इस तरह से था मेरा ये वाला कमरा, एक बार फिर देख लीजिए इसका लुक ये है। तो यहाँ की मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ नहीं तो बच्चे उड़ जाएंगे, और फिर आपको मैं बताऊँगी बाहर वाला। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे पूजा घर के लिए बनाया है, और वैसे एक बेड आ जाता है लेकिन अभी मेरे पास बेड नहीं है और कोई मतलब फोल्डिंग तख्त कुछ नहीं है, तो मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने पूजा का स्थान बनाया है अलग से किनारे पे, और एक पर्दा मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था आज, यहाँ पे विंडो लगी हुई है। और ये देखिए जितना मेरा एक्स्ट्रा सामान है मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी इनको रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा रूम इसलिए है कि जितना भी हम पे एक्स्ट्रा सामान रहता है मैंने सब कुछ यहीं पे डाला हुआ है, क्योंकि कितने तो मेरे बर्तन ही हैं, किचन के बर्तन इतने ज़्यादा हैं तो मेरे किचन में नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने इसलिए थैले में भर के यहाँ पे रख दिया है। और मेरा ट्राईपोड हो गया, हनी का हेलमेट हो गया, बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मेरी कांच की क्रॉकरी है, तो वो मैंने सारी यहीं पर रखी हुई है। और इसमें अभी स्पेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सामान आ सकता है, लेकिन मैंने अभी नहीं रखा है कुछ भी, मैंने कहा धीरे धीरे एडजस्ट कर लूँगी, अभी नए नए कमरे में टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो इस तरह से ये स्मॉल सा कमरा है, यहाँ पे एक बेड आ जाता है 3x6 वाला या 4x6 वाला, अभी लेके आऊँगी तो फिर लगाऊँगी, तो मैंने कहा जब लेके आऊँगी फिर आपको मैं बताऊँगी किस तरह से मैंने लिया है। और ये देखिए गेट, तो इस तरह से दिखता है यहाँ का नज़ारा कुछ। और यहाँ पे हर 15-15 मिनट बाद एक तो एरोप्लेन चलते रहते हैं तो आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं आती है, और मैं वीडियो ज़्यादातर यहीं पे एडिटिंग करती हूँ, कभी यहाँ पे बाहर में बैठ के करती हूँ साइड में। तो इस तरह से है यहाँ का नज़ारा, ये पपीते के पेड़ हैं सामने पे, ये मकान काफ़ी सारे बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, हाउस टूर वाली। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।